फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू अवर चैनल मुनि एजुकेशन। यहां पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई रिलेटेड हर एक लेसन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और उसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग देखेंगे आज का वीडियो में हम लोग कौन सा लेसन सीखने जा रहे हैं। दिस इज लेसन नंबर 3.2 जो कुमार भारती टेक्स्ट बुक है क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लिए, उसकी टेक्स्ट बुक में से लेसन लिया गया है, द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। ओके, और ये जो लेसन का जो टाइटल है वो खुद अपने आप में ही हमको बताता है कि ये लेसन के अंदर एक मीटिंग है, एक विजिटेशन है जो आइंस्टाइन के साथ ऑथर की हुई है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं ऑथर का। जेरोम वीडमैन 1913-1998 was an American playwright and novelist. वो playwright भी थे और novelist भी थे। In 1960 he won Pulitzer Prize. Okay, ये एक प्रकार का award है जो उनको दिया गया था। Next, for his work a musical drama titled Fiorello जो उन्होंने लिखा था उसके लिए मिला गया था। He collaborated with George Abbott, Jerry Boggs and Sheldon Harnick फॉर इट्स म्यूजिक एंड लिरिक्स। उन्होंने म्यूजिक और लिरिक्स के लिए इनके साथ कोलाबोरेट किया, कोलाबोरेट मतलब साथ में मिलकर काम किया था। हिज बुक आई कैन गेट इट फॉर यू होल सेल हैज ऑल्सो बीन यूज फॉर अ मूवी ऑफ द सेम नेम। ओके, उन्होंने बुक लिखी और वो बुक के ऊपर से मूवी भी बनाया गया था। बुक का नाम था आई कैन गेट इट फॉर यू होल सेल, मतलब मैं होल सेल प्राइस में मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। ओके, पर हम लोग बुक का नाम है इसलिए ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, चलो हम लोग लेसन चालू करेंगे। When I was very young man, I was invited to dine at the house of philanthropist. Philanthropist मतलब जो दया, जो दान धर्म करता है मानव जाति के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अच्छा काम करता है, उसको philanthropist बोलते हैं। After a wonderful dinner, our hostess took us a large drawing room. डिनर खत्म होने के बाद जो हमारे हॉस्टेस थे जिन्होंने हमें होस्ट किया था वो लेडी थी इसलिए हॉस्टेस बोला गया है, उन्होंने चेयर अरेंज करना चालू कर दिए। I'm arranging the chairs for a concert. क्योंकि वहां पर कॉन्सर्ट होने वाला, कॉन्सर्ट मतलब म्यूजिकल प्रोग्राम। My hostess said, we are going to listen to a very good pianist. अभी हम लोग एक बहुत अच्छे पियानिस्ट को सुनने वाले, पियानिस्ट मतलब जो पियानो बजाता है। ठीक है, नेक्स्ट, though everyone else was very happy, I was not. सब लोग खुश थे, मैं खुश नहीं था। I did not understand classical music. क्योंकि मुझे क्लासिकल म्यूजिक में कुछ भी समझ में आई नहीं था। I thought I was tone deaf. Okay, tone deaf का मतलब जिसको म्यूजिक समझ में नहीं आता, unable to hear the difference between high and low notes and pitch of the music. म्यूजिक नहीं समझ में आता है वैसे। I sat down so that I would not be impolite and waited for a concert to begin. वो मैं वहीं पर बैठ गया ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बहुत impolite हूँ, घर पे जाने की मुझे जल्दी है। ठीक है, और कॉन्सर्ट चालू होने की राह देख रहा था। I did not pay attention to the music after it began. जब म्यूजिक चालू हुआ तो मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। After a while, I heard everyone clapping. फिर मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि सब लोग क्लैप कर रहे, तालियां बजा रहे। So I realized that a piece was over. मुझे ऐसा लगा कि वो जो गाना वगैरह बजा रहे थे वो खत्म हो गया इसलिए सब लोग तालियां बजा रहे। But just then I heard a gentle but firm voice saying, "You are fond of बैच। ओके, बैच यहाँ पर एक ऐसी व्यक्ति है, जोनाथन सेबास्टियन बैच, अ जर्मन ऑर्गेनिस्ट एंड कंपोजर ऑफ 17th सेंचुरी। मतलब वो एक फेमस पियानिस्ट थे। ठीक है, उसके बारे में बता रहे थे। नेक्स्ट, आई न्यू एज मच अबाउट बैच एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक था जिसके अंदर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। मतलब जितना मुझे उसमें नहीं समझ में आता था उतना ही मुझे बैच के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। और मुझे ये टॉपिक में से ही बाहर निकलना था इसलिए मुझे कुछ तो टॉपिक मतलब साइड टॉपिक में लेकर जाना था ताकि मैं ये म्यूजिक के टॉपिक में से बाहर आ सकूं। आई टर्न इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर एंड आई सो वेरी फेमस फेस। ओके, जैसे मैंने टर्न किया और मैंने देखा कि वहां पर कौन था तो वहां पर बहुत फेमस पर्सनालिटी खड़े थे। कौन थे वो? इट वॉज समवन विद अ शॉक ऑफ व्हाइट हेयर एंड पाइप। ओके, वहां पर कौन खड़े थे? एक बंदा था जिसके व्हाइट हेयर थे और मुंह में पाइप थी, पाइप मतलब जिससे वो स्मोक करते थे। नेक्स्ट, आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ। और मुझे पता चल गया कि ये आदमी को मुझे सच बताने की जरूरत है। ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि मेरा जो आंसर मैं देने वाला हूं
वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। आई डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैस, मैंने क्लियरली बोल दिया कि मुझे बैस के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं। आई नेवर हैड हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक, मैंने उसका म्यूजिक भी कभी नहीं सुना। ही लुक्ड सरप्राइज, और वो बंदा जो जिन्होंने हाथ रखा था वो सरप्राइज हो गया। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैस, तुमने कभी बैस को सुना नहीं? ठीक है, ही आस्क्ड, ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बाथ, और वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि मैंने उनको बोल दिया है कि मैंने कभी नहाया नहीं, मतलब उतनी उतने गंदे आवाज में उन्होंने बोला। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैस, फिर उन्होंने बोला कि मुझे म्यूजिक थोड़ा समझना है ताकि मैं बैस जो फेमस पियानिस्ट हो गए उनको समझ सकूं। आई सेड बट आई एम नॉट एबल टू, मुझे करना है पर मैं कर ही नहीं पाता। आई एम टोन डेफ, क्योंकि मुझे म्यूजिक बिल्कुल समझ में आता ही नहीं। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन गॉट अप, और वो जो आदमी था वो खड़ा हो गया। और यहां पर वो ओल्ड मैन कौन था वो मैं आपको अभी बता देता हूं कि वो आइंस्टाइन खुद थे जिनके घर पे वो गए थे। ठीक है, यू विल कम अप विथ मी, मेरे साथ आओ, ही आस्क्ड, आई जस्ट रिमेन सीटेड, और मैं बैठा ही रहा था, मैं उठा नहीं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, और उन्होंने वापिस कहा कि उठो और मेरे साथ चलो। सो आई वेंट अप विथ हिम, तो मैं खड़े होकर उनके साथ गया। ही टुक मी टू अ रूम विद अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, उन्होंने हाथ में ग्रामोफोन लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्रामोफोन यहाँ पर है, मतलब ये ओल्ड पुराने टाइप का म्यूजिक साउंड सिस्टम है। ठीक है, जिसके ऊपर हम वो लोग म्यूजिक बजाते थे, और वो ग्रामोफोन पे म्यूजिक बजा के उन्होंने बोला कौन सा वाला म्यूजिक तुमको अच्छा लगता है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। वेल आई आंसर्ड, आई लाइक सॉन्ग दैट हैव वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून, मुझे एक ऐसा सिंपल वाला म्यूजिक चाहिए जिसमें के शब्द मुझे समझ में आ जाए और म्यूजिक को थोड़ा बहुत फॉलो कर पाओ। नेक्स्ट, ये देखो आइंस्टाइन का पिक्चर यहां पर बनाया गया है। ही स्माइल एंड नोडेड, ओके, उन्होंने स्माइल भी किया और नोडेड मतलब ऐसा चेहरा हिलाया, एंड ऑब्वियसली प्लीज्ड, और वो थोड़ा खुश हो गए। यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ परहैप्स, शायद तुम मुझे एक दो एग्जाम्पल दे दो कौन सा गाना अच्छा लगता है, मैं प्ले करता हूँ। आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग कॉस्बी, और मैंने उनको बोल दिया कि जो बिंग कॉस्बी एक और दूसरे एक सिंगर है उनके गाने अच्छे लगते हैं। एट वंस आई कुड हियर बिंग कॉस्बीज वॉइस फिलिंग द रूम, फिर तुरंत ही बिंग कॉस्बी के गाने वो रूम में बजने लगे। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, अभी तुम मुझे बताओ कि तुमने अभी क्या सुना, मतलब उनका गाना तो बज गया, अभी तुमने क्या सुना। ही सेड, उन्होंने सवाल पूछा, द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी सिंग द लाइन्स सो आई सैंग इट बैक टू हिम, और उसका सिंपल आंसर क्या था कि मैं वो जो लाइन जो बिंग ने गाई थी वही लाइन गा के बताओ, और मैं गाने लगा। ही स्माइल्ड, यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड, और फिर उन्होंने स्माइल किया, उन्होंने कहा कि तुम टोन डेफ हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें म्यूजिक नहीं समझ में आता, तुम्हें आता है, तुमने गान गाकर भी बताया। फिर क्या हुआ, आई टोल्ड हिम दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, और मैंने बताया कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था इसलिए मुझे आता है। समथिंग आई हैड हर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम, जो मैंने 100 से भी ज्यादा टाइम्स ये सुना है, सो इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग, तो वो कुछ मायने नहीं रखता है क्योंकि वो मैंने बहुत बार सुना इसलिए मैं सुन सकता हूँ। नेक्स्ट, नॉनसेंस सेड आइंस्टाइन, अभी उनका रियल नेम यहाँ पर रिवील हो रहा है कि वो आइंस्टाइन थे, और आइंस्टाइन ने कहा कि वो सारी बातें नॉनसेंस है। इट प्रूव्स एवरीथिंग, ओके, वो सारी चीजें प्रूव करता है। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल, तुम्हें वो पहला वाला जो अरिथमेटिक का लेसन था वो तुम्हें याद है क्या? सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टेक्ट विथ नंबर्स योर टीचर्स हैव ऑर्डर यू टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम इन से लॉन्ग डिविजन और फ्रैक्शन, कुड यू हैव डन इट, तुम अगर पहली बार तुम्हारे टीचर को मिलते हो और वो तुम्हें बोलेंगे कि चलो ये फ्रैक्शन सॉल्व करो या तो फिर ये डिवीजन सॉल्व करो या तो ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो, तो तुम कर पाओगे क्या? तुम्हें पहले नंबर सीखने पड़ेंगे ना, मतलब ऐसे बड़े बड़े जो सम होते हैं वो तुम सॉल्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट, नो ऑफकोर्स नॉट, उन्होंने कहा यस ऑफकोर्स मैं नहीं कर पाता। ठीक है, एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स, तो म्यूजिक भी एक प्रकार का मैथ्स जैसा लर्निंग के जैसा ही है। You have to learn addition and subtraction. तुम्हें addition सीखना पड़ेगा, subtract कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, in order to do multiplication, ताकि तुम multiplication कर सको and division भी कर सको। Now I am playing something a little more advanced. अभी मैं इससे कुछ advanced music play कर रहा हूँ। It was John McCormack singing the trumpeter, sing that back
ही ऑर्डर, ओके। और उन्होंने जो गाना बजाया उसका नाम था द ट्रम्पेटर, और उन्होंने कहा कि जो गाना मैंने बजाया अभी तुम वापिस गा के मुझे बताओ। एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड्स, ओके। हम वो लेवल से आगे के लेवल पे बढ़ते गए, और एक टाइम ऐसा है कि वो म्यूजिक बजाते रहे और मैं गाता रहा। नेक्स्ट, आई वॉज अमेज दैट दिस ग्रेट मैन वॉज प्लेइंग पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू। और मैंने देखा कि ये बंदा जो था वो इतना कंप्लीट अटेंशन मेरे ऊपर दे रहा था ताकि मैं खुद म्यूजिक सीख जाऊं, मतलब वो पर्सनल ट्रेनर मेरा बन गया और उन्होंने मुझे सिखाना चालू कर। इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज वर्ल्ड। और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जैसे कि मैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन उनके लिए हूं, वो मुझे वैसे ट्रीट कर रहा था। सडनली ही गॉट अप एंड टर्न ऑफ द ग्रामोफोन, ठीक है, वो खड़े होकर उन्होंने ग्रामोफोन बंद कर दिया। नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बैश, अभी हम लोग तैयार हो गए कि हम लोग बैश जो फेमस पियानिस्ट है उनको जाकर सुने। वी वेंट डाउन एंड सेट इन द हॉल, फिर हम लोग नीचे जाकर फिर हॉल में हम लोग बैठे। जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू लिसन, और उन्होंने कहा अपने आप को अलाउ करो, परमिशन दो कि तुम म्यूजिक सुन पाओ, इरिटेट मत हो। ही सेड दैट्स ऑल इज टू इट, बस उतना ही करना है, फिर वो म्यूजिक तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव हर्ड दैट पीस मेनी टाइम्स सिंस दैट डे, फिर वो दिन खत्म होने के बाद वो जो म्यूजिक जो था बैश के बारे में वो मैंने बहुत बार सुना। बट आई एम नेवर अलोन, पर मैं अकेला नहीं था, ठीक है। आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विद अ सुक ऑफ अनटाइडी हेयर एंड अ पाइप इन हिज माउथ, ठीक है, मतलब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ आइंस्टाइन भी थे, और वो जो गाने बज रहे थे वो मैं हजारों बार सुन रहा था, मुझे कोई भी इरिटेशन नहीं हो रहा था। ही हैज आईज दैट आर यूजुअली वार्म, और उनकी आंखें ऐसी थी जो जनरली वार्म रहती, थोड़ी बहुत गर्म रहती थी। क्यों? When the concert ended, I too was able to clap sincerely. जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो पहले मैंने तालियां नहीं बजाई थी, पर अभी मैं sincerely appreciate करते हुए मैं उनके लिए तालियां बजा रहा था। Our hostess came towards us, और हमारी hostess है वो हमारे नजदीक आई। We both stood up, हम दोनों खड़े हो गए। I am so sorry, मैं बहुत माफी मांगती हूँ डॉक्टर आइंस्टाइन, she said, giving me a cold look that you missed सो मच, ठीक है डॉक्टर आइंस्टाइन, मैं आपको बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, क्योंकि जो बहुत अच्छा म्यूजिक वो प्ले कर रहे थे वो आपको मिस करना पड़ा, क्योंकि आपको हमारे जो राइटर है उनके साथ जाना पड़ा था। फिर उन्होंने क्या किया, हम आई एम सॉरी टू ही सेड माई यंग फ्रेंड हियर, मैं भी सॉरी आपको बोलता हूँ क्योंकि माई यंग फ्रेंड हियर एंड आई हाउएवर वर एंगेज इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बींग इज केपेबल। और उन्होंने कहा कि मैं भी सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं भी ये प्रोग्राम पूरा अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी कर रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, वो मैं उनको सिखा रहा था और वो सीख गए, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। सी लुक पजल, अभी इनको जो होस्टेस थी उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। रियली सी सेड एंड व्हाट इज दैट, और उन्होंने पूछा कि वो कौन सी एक्टिविटी थी जो तुम करने गए थे। Einstein smiled and put his arm across my shoulder. Einstein ने उनका हाथ मेरे शोल्डर के ऊपर रखा और उसे स्माइल दिया। Opening up the frontiers of beauty. और उन्होंने आंसर दिया कि मैं ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूँ जो ये देश में दुनिया में ब्यूटी मतलब एक सुंदर व्यक्ति बन सके। और उनका आंसर ये था, मतलब उन्होंने किसी को म्यूजिक सुनाया, म्यूजिक सिखाया, म्यूजिक में इंटरेस्ट लेकर आए, मतलब उनके अंदर की जो ब्यूटीनेस थी वो उन्होंने बाहर लेकर आए, ठीक है। वो उन्होंने इनडायरेक्टली होस्टेस को बताया, पर मुझे नहीं लगता है होस्टेस को समझ में आया होगा, पर एनीवे उन्होंने भी आगे छोड़ दिया होगा। तो ये लेसन यहाँ पर है, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग आइंस्टाइन को एक तरीके से पहचानते हैं, वो है आइंस्टाइन जो कि साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी खोज की, बहुत सारी चीजें बताई, पर यहाँ पर आइंस्टाइन का एक अलग चेहरा हमको देखने को मिल रहा है कि आइंस्टाइन खुद एक पियानिस्ट भी थे, और सिर्फ वो पियानिस्ट नहीं थे पर दूसरों को भी पियानो लर्न करने के लिए वो एनकरेज कर रहे थे। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि जो राइटर है उनको उन्होंने बहुत एनकरेज किया कि म्यूजिक में उनको इंटरेस्ट मिले और वो इंटरेस्टेड हो गए और उसके आगे जाके फिर उन्होंने म्यूजिक को अप्रिसिएट करना सीख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलती है। अगर ये लेसन में आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, पर अगर कुछ समझ में नहीं आए हैं और डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। और आप ये हमारा वीडियो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।